देखते हैं पलट रहा है या नहीं, चिपक ना जाए। दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ऑयस्टर मशरूम के पकौड़े कैसे बनाए जाते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं अभी मेरे पास लगे हुए कुछ मशरूम के पेड़, जो कि दो पेड़ तोड़ने लायक हो गए। अब पहले पहचानना भी चाहिए कि तोड़ने लायक ये है या नहीं। जैसे कि ऊपर तरफ घूमने लगते हैं तो समझ सकते हैं कि अभी आप तोड़ सकते हैं ऊपर तरफ जा रहे हैं। जैसे ये सीधा सीधा है अभी, तभी और बड़ा होगा। लेकिन इसकी का एक ब्रांच है, ये मुड़ रहा है, मतलब इसे कल तोड़ सकते हैं। इसके आप तीनों देख सकते हैं, तीनों ऊपर तरफ जा चुके हैं। अभी नहीं हम लोग तोड़ते। तोड़ने का तरीका बहुत ही आसान होता है, इसे ऐसे ही पकड़ के घुमा देना पड़ता है, ऐसे यूँ। नोचना नहीं चाहिए, नहीं तो नीचे से इसका वो भी निकल आता है जिस चीज़ में लगा हुआ होता है। और मात्र आप लोग देख सकते हैं तीन इस पे लगे हुए हैं और तीनों के तीनों तैयार हैं। सबसे पहले इनको हम लोग कट करते हैं। कट करने का तरीका बहुत आसान होता है। सबसे पहले इसका थोड़ा सा ऊपरी का भाग काट देते हैं और इसे बस ऐसे ही अलग कर लेना है। अब मैं बेसन निकाल रहा हूँ 100 ग्राम। एक कटी हुई प्याज देख सकते हैं, ये एक प्याज है। इसे थोड़ा सा घिस देंगे, थोड़ा अलग अलग हो जाए, ऐसे लेयर्स हो जाए, क्योंकि जैसे मशरूम लंबा लंबा है वैसे प्याज भी लंबी लंबी रहेंगी। अभी मैं कुछ सब्जी मसाला डाल रहा हूँ 10 ग्राम। नमक डालेंगे इसमें 5 ग्राम। अब मिलाते हैं पानी। इसे पतला नहीं रखना, इस घोल को काफ़ी जितना अच्छा रहेगा, मोटा उतना ही अच्छा है। इसे चम्मच की सहायता से, चाकू की सहायता से चला लेते हैं, फेंट देते हैं जैसे अंडे को फेंटते हैं। इसे थोड़ा सा हम लोग दबा देंगे और इसमें जो पानी एब्जॉर्ब किया हुआ है वो निकाल देते हैं। इसे एकदम से पूरी तरीके से सूख गया। अब इसमें डाल रहे हैं प्याज और मिर्च, इसे भी मिला देंगे इसमें। इसमें मिलाते हैं मशरूम भी, ये क्या होता है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ जी। अब अपन लोग एक कढ़ाई में तेल गरम करते हैं। इसमें लगभग 150 ग्राम ऑयल डालेंगे, 150 मिलीग्राम, और गरम होने के इंतजार करते हैं। सबसे पहले अपन लोग इसे चेक कर लेते हैं तेल गरम हुआ नहीं। आप लोग देख सकते हैं तेल गरम हो गया है काफ़ी तेज। थोड़ा मेरा पैन छोटा है, थोड़ा सा बड़ा होता तो अच्छा रहता। देखते हैं पलट रहा है या नहीं, कहीं चिपक ना जाए। अब हम देख सकते हैं पलटने लायक हो गया है, हल्का हल्का पक भी रहा है और चिपक भी रहा है, मतलब एकदम से लगभग सही तरीके से पल रहा है। आप लोग देख सकते हैं इसे मैं बंद करके निकालने के लिए तैयार हो चुका हूं, निकाल देता हूं। पक गया दोनों तरफ से। काफ़ी गर्म है, थोड़ा सा फूक फूक के खाएंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बेहतरीन है। मशरूम खाने के बहुत फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं।